नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। मकान में चल रहा था देह व्यापार, दो विदेशी महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में देह व्यापार के आरोप में एसओजी प्रभारी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने बृहस्पतिवार को दो बांग्लादेशी महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप में एक मकान में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। उनके पास से बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट के अलावा कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एक महिला के पास मिले पासपोर्ट की वीजा अवधि फरवरी 2019 में समाप्त हो चुकी है। आरोपी लंबे समय से रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर आदि क्षेत्रों में एस्कॉर्ट सर्विस मसाज सेंटर के नाम पर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से युवतियों के फ़ोटो लोगों को भेजे जाते थे और ग्राहक के तय होने पर उसे 8,000 से लेकर 15,000 रुपये तक में युवती उपलब्ध कराई जाती थी। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एसओजी प्रभारी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम के साथ सावित्री कॉलोनी फुलसुंगा ट्रांजिट कैंप में एक महिला के मकान में छापा मारा। वहां एस्कॉर्ट सर्विस नाम से अनैतिक कार्य करने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री के साथ तीन पासपोर्ट, बांग्लादेशी मुद्रा, तीन पैन कार्ड, सात मोबाइल, तीन आधार कार्ड, एक स्कूटी, एक कार, विजिटिंग कार्ड होल्ड एल्बम, 28,700 रुपये, लेडीज पर्स, सोने की चेन बरामद हुई है। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रुद्रपुर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। दो बांग्लादेशी महिलाएं और जिसके पास एक के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है और दूसरे के पास कोई कागज नहीं है, पूरा बांग्लादेशी का एक्सेंट है। तो दो कुल मिला के दो बांग्लादेशी महिलाएं और एक पुरुष है। तो वो अपने आप को यूपी का है, रहने वाला बोल रहे, पर उसके भी कागज़ बहुत संदिग्ध हैं। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को हमने एक्सपोज किया है। उनके कब्जे से काफ़ी संदिग्ध चीज़ें और बहुत ही खुलासे वाले चीज़ें आया है। एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, एक भारतीय पासपोर्ट, एक ही महिला का दो अलग अलग स्टेट का, कंट्रीज का पासपोर्ट है, अनिल मलिक का पासपोर्ट है, सात मोबाइल फ़ोन, तीन ATM, एक दो गाड़ियाँ, एक फोर व्हीलर, एक टू व्हीलर और एक RC और कहीं विभिन्न आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड्स बने हुए हैं। इस प्रकार के बांग्लादेशी नागरिक, दो बांग्लादेशी नागरिक और संदिग्ध इंडियन नागरिक को हमने पकड़ा है। इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन होगा। हम अभी भी किसी मुकाम पे हम नहीं बोल सकते कि यही सच है और यही एंड है करके, क्योंकि ये बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एक एजेंसी गठित की है। हमने ऑलरेडी IB को सूचित कर रखा है। IB ने एक राउंड पूछताछ करी है और भविष्य में भी कई मल्टीपल राउंड्स ऑफ पूछताछ होगा। NIA को भी हम अवगत कराएंगे। कोई और सस्पिशियस एंगल है तो वो भी हम खोजेंगे, NIA उसको खोजेगी, ठीक है ना। NIA को भी सूचित किया जाएगा। कुल मिला के ये कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशन है, इसको अंजाम देने में SOG का टीम और AHTU का टीम, हमारा भारत है, हमारा बसंती है, हमारा CO Ops है अनुषा, और उनकी पूरी टीम, हर एक कांस्टेबल को मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। SP City मनोज का नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ है, सभी को मेरी तरफ से बधाइयाँ और 10,000 रुपये का रिवॉर्ड है। लेकिन यहाँ ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अन्य PC से बहुत अलग चीज़ है। अन्य खुलासों में चीज़ें कंप्लीट होकर आपके पास आती है कि ये हो गया था, ये हम खुला सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं है, ये अभी हमें तार अभी जस्ट थोड़ा सा दिखा है, जड़ अभी, जड़ कहाँ कहाँ तक फैलेगा, कितने दिशा में फैलेगा, क्या क्या और तस्करी हुआ है, केवल मानव तस्करी का है, अन्य महिलाएं भी तस्करी हुआ है या कुछ और भी चीज़ें तस्करी हुआ है, क्या है संदिग्ध वस्तुएं, तो नहीं सर तस्करी हो गया, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए मैं आज आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी खुलासा हुआ है। दो बांग्लादेशी नागरिक है और एक संदिग्ध इंडियन नागरिक है। आई विल नॉट कॉमेंट ऑन इट, ना नहीं बोल सकते और हाँ भी नहीं बोल सकते, हर चीज़ पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है ना। सनसनीखेज खबर देना मेरा फर्ज नहीं है, लेकिन मैं किसी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। हम तो संबंधित एजेंसी को बोलेंगे, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ चीज़ निकल के आएगी, तो वो आगे की कार्रवाई करेंगे।